अपना दिन, दिन ओ जय भाई जल्दी, वो जल्दी, वो जल्दी वो हो जल्दी हो सूर्य हो जाए अस्सलाम वालेकुम अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी अभी मैं खड़ा हूँ किशनगंज की सरजमी पर ठाकुरगंज ठाकुरगंज के अंदर अवाम बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है अख्तरुल साहब का और मैं बात कर रहा हूँ जब आवाम से तो आवाम एक ही नारा दे रही है कि सीमांचल के अंदर इस बार न तीर चलेगी न तलवार चलेगी न पंजा चलेगा न फूल चलेगा अगर सीमांचल के अंदर कुछ उड़ेगी तो वो सिर्फ पतंग उड़ेगी अख्तर उमान की बैरिस्टर रसदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं बात करता हूँ और अवाम चाचा बताइए इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं अक्तुर निशान क्या है उसका पतंग है पतंग आप किसको वोट देंगे साहब को। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं पत, पतंग साहब को वोट देना। आप किसको वोट देंगे अख्तर इमाम को निशान क्या है पतंग साहब देखिए किस तरीके से हर एक की जुबान पर सिर्फ पतंग ही पतंग है और किशनगंज एक पिछड़ा हुआ एरिया है ऐसा पिछड़ा हुआ एरिया कि मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ के लोगों की बदहाली किस तरीके से लोग आप किसको वोट देंगे सर अख्तर अख्तरलीमान साहब को ये बच्चे छोटे छोटे इस तरीके से इतनी बदहाली है मेरे भाई यहाँ पर कि लोग यहाँ पर किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं शायद ये नहीं सोच सकते सीमांचल की आवाम ने सीमांचल की जनता ने अख्तदार की कुर्सी दी तमाम हुक्मरानों को कभी आरजेडी को जिताया था तो कभी जेडीयू को जिताया कभी कांग्रेस को जिताया लेकिन वो अख्तदार की कुर्सी पर आते रहे और इकतदार की कुर्सी पर आने के बावजूद सीमांचल की आवाम की हालत बस से बदतर कर दी और आज सीमांचल इतनी पसमानदगी में है कि अगर इन हालातों को, को कोई सुधार सकता है बच्चों को कोई तालीम दिला सकता है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई अच्छे अस्पताल है ना ही कोई अच्छे अस्पताल है ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से घूम रहे हैं यहाँ पर किसी चीज़ की सुविधा नहीं है ना ही सड़कें अच्छी हैं ना ही यहाँ पर कोई पुलिया है ना ही कोई रोड है इतने बद से बदतर हालात बनाने का जिम्मेदार कौन है क्या सीमांचल की जनता ने इन हुक्मरानों को वोट नहीं दिया लेकिन आज सीमांचल में ये वोट मांगने आ रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि किस लिए तुम वोट मांगने जा रहे हो सीमांचल के अंदर और क्या सोच कर वोट मांगने जा रहे हो आज आज़ादी के सत्तर साल बाद भी अगर कोई एरिया सबसे पिछड़ा हिंदुस्तान के अंदर है सबसे ज़्यादा बदहाली सबसे ज़्यादा गुरबत अगर किसी इलाके के अंदर है तो यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि वो सीमांचल है मैं सीमांचल के अंदर कल आया हूं और जिस तरीके से मैं सीमांचल के अंदर घूम रहा हूं तो यकीन हो चुका है कि जो अख्तरुल ईमान साहब आर्टिकल 371 को लेकर हिंदुस्तान के बाहर क्यों निकले क्योंकि उनको मालूम था कि सीमांचल की हालात अगर इन हुक्मरानों ने कमजोर की है चाहे वो किसी भी पार्टी के थे अख्तर को साहब को ये लगा कि अगर सीमांचल की पसमानदगी अगर कोई दूर कर सकता है तो वो एक जमात मॉल इंडिया मलिस इतिहादलमसलिमी है और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और उन्होंने उनके हाथ को पकड़ा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से यह वादा किया कि सीमांचल की आवाम इन शाला इस बार अख्तर ईमान साहब को चुनकर देगी और पतंग के निशान पर बटन दबाएगी तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरे भाई कि जो भी सीमांचल के लोग हैं चाहे आप किसी भी शहर में हो चाहे आप किसी भी इलाके में हो आपके कोई भी रिश्तेदार कोई भी भाई कोई भी बहन सीमांचल के अंदर है तो आप लोग उन्हें कॉल करिए कॉल करके बताइए कि एक बेबाक लीडर एक अच्छा लीडर अख्तर ईमान साहब के रूप में सीमांचल को मिलने जा रहा है और यकीनन यकीनन मैं हर गांव में घूम रहा हूं और मुझे यकीन हो रहा है क्योंकि यहां पर मेरे भाई बड़े जलसे नहीं हो सकते छोटे छोटे गांव हैं और बस से बदतर है इसलिए छोटे छोटे गांव में जाकर मजलिस का पैगाम दे रहा हूं और मेरे बात करने से पहले ही आवाम ये बात बोल दे रही है कि अख्तर उमान पतंग का निशान तो मुझे यकीन हो रहा है कि अलहमद ला मजलिस इतिहादलमसलमिन अठारह तारीख को वोटिंग है और पतंग के सामने वाला बटन सीमांचल की आवाम दबाने वाली है और हुक्मरानों को बताने वाली है और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं सीमांचल के अंदर कांग्रेस की हालत बस से बदतर है अगर कोई यू कहता है कि आर जे, आ, जे का मुकाबला एम आई एम से है तो जे डी यू का मुकाबला भी एम आई एम से नहीं है क्योंकि बीजेपी का दूसरा चेहरा जे डी यू है बीजेपी नरेंद्र मोदी का दूसरा चेहरा नीतीश कुमार है और यकीन सीमांचल की आवाम मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी को चुनने वाली नहीं नीतीश को चुनने वाली नहीं कांग्रेस को देख चुकी है तो सीमांचल की आवाम इस बार अलहमदिल्ला मलिस इतिहादलमसिमिन के नुमाइंदे अख्तरिमान साहब को कामयाब करेगी और आप लोग दुआ करते रहिए कि जो भी लोकसभा का इलेक्शन चाहे वो अख्तर साहब भी जीते इम्तियाज जलील साहब भी जीते और बैरिस्टर साहब भी जीते और ये तीनों नुमाइंदे जीत कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और लोकसभा में जाकर तमाम मजलूमों की गरीबों की हालत के बारे में वहां पर बया करे उनको हक और इंसाफ दिला सके मैं फिर दिखा रहा हूं आपको देखिए यह हालात है सीमांचल के यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है नन्ने नन्ने से बच्चे जिस तरीके से हैं इनके लिए कोई एजुकेशन का इंतज़ाम नहीं है क्या हम लोग इन्हें वोट इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चों के तन पर चीथड़े हों हमारे दूसरे के बच्चों के तन पर अच्छे लिबास है लेकिन क्यों हमारे बच्चों के तन पर पहनने को कपड़े भी नहीं हैं क्योंकि ये लोग हमें कमज़ोर करना चाहते हैं मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ इन हालातों को देख फ़ैसला करिए और जो भी आपके रिश्तेदार हैं जो भी आपके भाई हैं आप लोग सीमांचल में जो भी रहता है आप तमाम लोग उनको खबर करें और अख्तर उमान साहब को वोट करवाएं, पतंग के निशान पर वोट करवाएं, नारा लगा दो भाई अग्णावाद। पतंग अग्णावाद। चाप, अग्णावाद। चाप, अग्णावाद। अग्णा बैरिस्टर तो मैं आपके बीच में आता रहूंगा अपने इन्हीं बातों को लेकर और यकीन मैं कह सकता हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा कि अख्तर उलिमान साहब लोकसभा के अंदर जा रहे हैं दुआ करते रहिए अख्तर उलिमान साहब की कामयाबी के लिए अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज